खोल पाएगा तो ये वीडियो डालूंगी, अगर खोल नहीं पाएगा तो नहीं। नहीं मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल, जैसे कि हमारा इस व्लॉग, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आज अभी निकले हैं मार्केट, सेम एज यूजुअल आज निकले हैं थोड़ा सा चिकन मटन कुछ खाने के लिए, जो संतोष मुझे ज़बरदस्ती लेके आया है। लेकिन संतोष और बेटी अभी वो दोनों निकल के चला गया, मेरा लेट हो गया ताला वाला लगा के आने आते आते, तो इसीलिए जा रहे हैं अभी देखते हैं चिकन मटन क्या लेते हो। चलो चलो ये तो मंकी देख आजा रे चला। कितना बढ़िया दाढ़ वाड़ कुछ नहीं है, एकदम देख के बिंदास खा रहे। देखो बिल्कुल दाढ़ वाड़ लोग आ रहे, कुछ आ रहे, कुछ नहीं है, एकदम बिंदास है। वो क्या कार, बाइक, साइकिल, वो ग्रीन वाला मुझे नहीं चाहिए। ग्रीन वाला दोनों अच्छा है। बस बस जाके आगे मार के, और आज ना लाई हूँ वो क्या बोलते हैं बकरा का, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है, और हिंदी में शायद पेट्रो बोलते हैं ना कुछ ऐसा ही कुछ दुकानदार बोला, मुझे पता नहीं। तो मैं अभी लगा रही हूँ है ना, क्योंकि ना मेरा बाल पूरा का पूरा पक चुके हैं, तो बहुत दिन हो गया लगाया नहीं था। अभी यहाँ से जाने का टाइम हुआ तो मैंने सोचा यहाँ लास्ट एक बार है ना लगा लेते हैं। संतोष साफ कर रहा है वो सब बकरा का जो अंदर का होता है ना, वो सब संतोष साफ कर रहा है, क्योंकि उस वो ये सब में एक्सपर्ट है और उसको मज़ा भी आता है ये सब करके। लेकिन मुझे मतलब इतना मज़ा नहीं आता है, बट मैं खाने के लिए कर लेती हूँ। मुझे इतना पसंद नहीं है वो चीज़, वो चीज़ संतोष का दीदी लोगों को जितना पसंद है, मुझे इतना भी पसंद नहीं है। बट बहुत दिन हुआ खाया नहीं, कोई कोई तो बना रहा है रेसिपी में, तो मैंने देखा तो मुझे लगा चलो आज वही खाते हैं। हो ही गया ऑलमोस्ट, फटाफट फटाफट लगा लिया मैंने, और दो ऐसा बाकी है। अभिषेक को लगा के रखी हूँ काम पे और मैं बना रही हूँ खाना, और ये साफ करते करते बहुत टाइम हो गया, संतोष को बहुत टाइम लग गया साफ करते। मैं अच्छे से साफ किया लेकिन बिल्कुल गंदगी नहीं है, अच्छे से संतोष ने साफ किया। तो अभी खाना बना रही हूँ, चावल वावल तो हो गया कब का, खा रही हूँ ब्रेड। ये हमारे वहाँ पे ना बिलाती पकौड़ी बोलते हैं। उसके बाद ये वाला ना हम लोग एकदम सरस्वती पूजा जो आता है ना बसंत पंचमी उसके बाद ही खाते हैं। अभी बसंत पंचमी कब है मुझे भी पता नहीं है, 14 को है मे बी, तो लेकिन मैं उससे पहले खा रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और कल गई थी ना इतना मीठा, इतना मीठा है, छोटा छोटा बट इतना मीठा है, इसलिए मैं लेके आ गया, मैंने खा लिया। ये देखो ग्रेप्स का हाल, कल ये वाला ग्रेप्स भी मुझे बहुत पसंद आया, छोटू छोटू सा है ना, देखने के लिए प्यारा लगा तो मैं ऐसे ही ले आया। अभी नहीं खाती मैं ही खाती हूँ, क्या करूँ। उसके बाद ना वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं हुआ और काम इतना सारा था, घर साफ करना, सब कुछ करना, कट्टे 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 4:30 बज गया, नहाते नहाते 5 बज गया था। उसके बाद नहा लिया, अभी देखिए बाल का हालत, शैम्पू नहीं किया ना, सिर्फ फैला करके रख दिया इतना बड़ा करके फूल के, कल शैम्पू कर दूँगी खुश हो जाएगा। तो नहाते नहाते बहुत टाइम हो गया, उसके बाद खाना वाना खाते खाते बहुत टाइम हो गया। एसी अभी तक खोलने के लिए आया नहीं, संतोष का आया गुस्सा, संतोष और मेरा इसी बीच में हो गया झगड़ा भी थोड़ा बहुत, क्योंकि उल्टा पुल्टा मतलब उसका भी दिमाग ख़राब हो गया था और मेरा भी, मतलब सुबह से कर रही हूँ ना, ऊपर से मेरा ना कल से पेट भी थोड़ा बहुत दर्द है, तो इसीलिए हो गया थोड़ा बहुत कुटुंब खटंग भी। अभी ठीक भी हो गया, दोनों मिल के कॉफ़ी वॉफी पी भी लिया, मैंने पी रही हूँ, वो चला गया ऑफिस, अभी से जस्ट सो गए, मुझे भी नींद आ रहा है ज़बरदस्त, लेकिन मैंने
सोया नहीं, संतोष का हेडेक हो गया। मतलब वेट करते करते होता है ना एक कि किसी के लिए वेट कर रहे हो कर रहे हो, आ नहीं रहे, दो घंटा बोलते आया ही नहीं। तो मैं अभी पी रही हूँ चाय, खा रही हूँ ऐसा मूँगफली, उसके बाद वो यार टाइम ही नहीं हुआ। और आज का ना जो गोट का जो इंटेस्टाइन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मैंने देख लिया देख के बोला, संतोष लोग बोटी बोलते हैं, हम लोग पेटू बोलते हैं। और उसमें बंगाली में मैं दीपदा को पूछा था, क्या बोला, नारी भूरी ना नारी भूरू ना ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो सब वो बनाया ना, बहुत टेस्टी लगा खा के, खाना भी खा लिया। अभी इतना ज़बरदस्त नींद आ रहा है लेकिन सो नहीं सकती हूँ अभी सोने से, और ऐसे मन भी नहीं है। संतोष अभी क्या करेगा, वो बोला मैं कूट खोलूँगा, ऐसी मैं सब कुछ सामान लेके आ जाऊँगा, वो ऑफिस गया है, मैं बोला जो करना है करो लेकिन आधे में मत छोड़ना, कि ऐसा उसका गुस्सा आ गया। मतलब इतना बोल, मतलब वो पहले बोला 9 बजे आएगा, फिर बोला हम लोग भी बोला 9 बजे मत आना क्योंकि अभी से उठती नहीं है, हम लोग बोला 11 बजे जैसा आ जाओ, तो वो बोला 11 बजे मत बोलो भैया 1 बजे बोलो, तो हम बोला ठीक है 1 बजे आना, फिर वो बोला कि नहीं 2 बजे आएंगे, बोला हाँ ठीक है 2 बजे आना, फिर बोला 3 बजे, हम लोग हाँ ठीक है 3 बजे आना, ऐसे 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 करके 5 बज गया, अभी तो 6 बज गया। तो ऐसा ऐसा करके अभी तक आया ना, तो संतोष को गुस्सा आया, वो भी उल्टा पुल्टा कुछ कुछ बोल गया और जायज़ भी है। फिर संतोष मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, मैं उसको मेरा भी कितना पेट दर्द ये सब हो रहा है, मैं भी कर रही हूँ और क्या चिल्ला रही हूँ बोल के मैं उल्टा उसके ऊपर चिल्लाने लगी। मतलब दोनों का रोना पड़ा चिल्लम चिल्ली करके, उसके बाद अभिश्री सो गए, हमारा चिल्लम चिल्ली बोल पाएगा तो ये वीडियो डालूँगी, अगर कॉल नहीं पाएगा तो नहीं हुआ। बस हम लोग खुद ब खुद कर रहे हैं, हम लोग नहीं एक्चुअली संतोष कर रहे हैं, बस एसी ऑफ कर दिया अभी। शैम्पू ले लो, अगर छोटा सा वो गैस लीक हो रही है, कटोरी इतना पानी नीचे थोड़ा, गैस लीक हो रही है तो लगेगा ये ऑफ कर दो, एसी का पूरा स्विच सब। हाँ ओके, और शैम्पू डाल दो, कपड़ा भी चाहिए उसमें लगाने से गैस लीक हो रही है कि नहीं पता लगेगा, डालो भाई कपड़ा दे दो, कपड़ा स्पॉन कुछ टाइप का स्पॉन से एक पूरा नीचे गिरा हुआ है, वो सीढ़ी में स्टेप स्टेयर्स में वो तो पूरा वो वाली लाख मार मार के एकदम नीचे फेंक दिया। लेके आ जाओ, नहीं है ना, ये नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, अच्छा ऐसा नहीं रहेगा, अच्छा बस हो गया। गुड मॉर्निंग, चाय ना ना तुम दे के आ जाओ, मैं तब तुम दे के आओ उसके बाद चाय पीना। अभिश्री उठ गई सो के और संतोष कर रहा है वो सब काम, क्योंकि ओ गिर गया बेटा, ये चलो क्योंकि वो एसी वाला तो आया नहीं, संतोष ने किया एक बार हम लोगों का एसी का एक ऊपर जो ऐसा सा कुछ कुछ है, तो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, फिर से अभी करने लग गया वो सब, एसी चला रहा है, बंद कर रहा है, क्या कर रहा है, एक बार टाइट कर रहा है, एक बार कुछ कर रहा है, अगर होने से मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ ना। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, नहीं होने से ऊपर तो फिर खाना, तो हम लगा सकते हैं खोल, ये अंदर का जो इसको क्या बोलते हैं, क्यों वो चंगसे में नहीं लगाया था, क्या लगाया था बेका बेका करके, इतना बिगाड़ नहीं था उसमें, हम लोगों का पूरा एसी मैकेनिक
आप लोगों को अगर एसी मैकेनिक का जरूरत पड़े तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम नए मतलब बिजनेस में अभी हाथ दे रहे हैं, ये संतोषण में हम दोनों जाएंगे, मैं सिर्फ वो कांटेक्ट लूँगी, बाकी काम तो हमारा ये मिस्त्री मैकेनिक है वो काटेगा, हम लोग का ये सिविल काम, इलेक्ट्रिकल काम, इलेक्ट्रॉनिक काम, मैकेनिकल काम, सब इंजीनियर मतलब है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कम, मैकेनिकल इंजीनियर कम, वो आपका सिविल इंजीनियर कम, आपका कुछ भी घर बनाने से लेके आप घर पे रहने तक सब कुछ जिम्मेदारी हमारा, आप आराम से हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम बहुत कम दाम में आप लोगों को करेंगे। सॉक्स खोलना है, खोल लो सॉक्स, खोल लो, हाँ ये भी खोल लो, बस हो गया, ओके। अभी शुक्र पॉपकॉर्न ओपन लेके दिखाया है, अभी ये हमारा काम लग रहा है, मुझे बुलाया है हेल्पर के लिए, अभी मैं करूँगी हेल्प, मैं सिर्फ हेल्पर नहीं है, मैं एक्चुअली कॉन्टेक्ट लूँगी, मैं हेल्पर का काम करने से बाकी वो जो मेन था वो तो खोल गया, लेकिन एक उसके लिए नहीं हुआ जो जिसको क्या क्या कह रहे हैं स्लाइड्स, एक स्लाइड जो ऐसा सा ऐसा सा ये हुआ, तो बाकी गैस वैस का काम हो गया, पहले बार जो किया था वो थोड़ा गलत था, नीचे का बन करके ऊपर का क्या, हम लोगों का ये इन्वर्टर ये है तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर है जो बन गैस का और नीचे है दूसरा, तो इसीलिए अभी उल्टा किया तो हम लोग का हो गया, मेन काम जो हो गया मेन एक ही चीज़ है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दी, क्या एल क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एल, एलंकी एलंकी ना क्या एल जैसा है वो, अयो अभी अगर ये वीडियो हम लोग का जो एसी लगाने वाला मैकेनिक है ना वो अगर देख लेना चाहिए तो सोचेगा ये भैया तो मुझे कल बुलाया था, लेकिन ये भैया को क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक वो ही जाकर लगा हुआ है, परसों बुलाया था 12 बजे आ जाएगा, 12 बजे फिर बोलते 2 बजे आएगा, 2 बजे बोलते 5 बजे आएगा, उसके बाद तुम लास्ट में क्या बोला, मैं तो आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद हम खुद दूसरा को लगा देगा, अभी वही पैसा बचाने का चक्कर, अभी यहाँ से जाके लगाएगा भी वो खुद ही बोल रहे हैं, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगा, अपकमिंग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, संतोष ऐसे लगा लिया बोल के। मेन चीज हो गया ये एल की ना क्या बोलते हैं इसको, यही हो गया मेन चीज, ये अगर एल के आप एल की ना क्या ऐसा है कुछ बोला, अगर ये आप लोग के पास है तो मेन काम जो होता है ना वो हो जाता है, बाकी तो स्लाइडेंस हो गया रेंस हो गया ये सब तो लोगों के घर में होता ही होता है, तो मेन हो गया गैस बंद होना, ऐसे नॉर्मली ना मैं आप लोग को यहाँ से दिखा देती हूँ, जो होता है गैस का जो पाइप होता है ना वो नॉर्मली लोगों का नीचे होता है, बट हम लोग का ना ऊपर है, तो पहले संतोष को पता नहीं था तो वो पहले नीचे का खोल लिया, उसके बाद उसको अच्छे से देखा तो ओ ऊपर है, फिर एसी चला के ऊपर वाला पहले बंद, मतलब गैस का जो पाइप होता है वो पहले बंद करना पड़ता है, तो मतलब जो गैस का पाइप होता है वो पहले बंद करना पड़ता है, वो अच्छे से देख लेने से आप कर ही सकोगे, तो इससे ऐसा ऐसा कुछ कुछ किया तो बंद हो गया, होने के बाद से जो पाइप है ना वो अच्छे से ये हो गया और लीक भी कुछ नहीं है, और अभी स्लाइडेंस नहीं है, अभी तो रात हो गया ना 8:30 बज गया, तो स्लाइडेंस तो कल ऑफिस से ही मिलेगा, तो इसीलिए बाकी ये सब हो ही जाएगा, यहाँ पे 2 नॉट है, यहाँ पे वो 2 नॉट खोलने से बाकी हो गया, वहाँ पे वो 2 जो ये है ना वहाँ पे भी 2 नॉट है, यहाँ 1 नॉट है, यहाँ 1 नॉट है, वो 2 नॉट खोल देने से हो ही गया, बाकी और निकालना तो क्या एकदम से आसान है, बाकी वही है, बाकी और अभी तो संतोष बोल रहे हैं वहाँ जाके वही खोलेगा, तो ठीक है वही खोलेगा, बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और कल दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे संतोष खोल पाया या नहीं पाया, और अभी खाना तो सेम ही है, दोपहर का ही सब कुछ सिर्फ चावल बनाना बाकी है, तो आशा करते वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाय 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 बाय।